सकते सर जी। विवेक, हमारे पास फ्रिज में बहुत सब्जी पड़ी है, हमें सब्जी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतनी रात को खाना छोड़ के कौन जाता सब्जी लेने? चलो विवेक, चलो। ऐसा करो, ये एक किलो दे दो, ये भी कर दो एक किलो, और ये भी एक किलो कर दो। कितने पैसे हुए? 170 रुपए। भैया खुले तो नहीं है मेरे पास। ओ यार, खुले तो मेरे पास भी नहीं है, और इतनी रात को खुले कहीं मिलेगा भी नहीं, दुकानें भी जो बंद हो गई है। ऐसा कर यार, ये 500 का नोट रख ले। भैया मेरे तो 170 रुपए है, मैं 500 का नोट कैसे रख सकता हूँ? अरे रख ले यार। अच्छा सुन, देख, कभी किसी गरीब को सब्जी की जरूरत हो ना तो उसे सब्जी दे देना फ्री में, और ये उसी के पैसे समझ ले। रख ले यार। शुक्रिया भैया। क्या ये पागलपन था? आपके वॉलेट में चेंज था ना, तो फिर आपने उसे 500 का नोट क्यों दिया? मुझे पता है कि मेरे वॉलेट में खुले पैसे थे, पर मैंने जानबूझकर उसे 500 का नोट दिया। मैंने इसलिए 500 का नोट नहीं दिया उसे कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ या फिर बहुत बड़ा दयालु इंसान हूँ, नहीं, मैंने बस एक इंसानियत के नाते उसे समझने की कोशिश की है। समझने की कोशिश की? तुमने एक चीज नोटिस किया क्या? ठंड के मौसम में इतनी रात को जहां लोग रजाइयों में से भी नहीं निकलते, और ये सब्जी वाला सिर्फ शर्ट पहनकर सब्जी बेच रहा है, मतलब मजबूरी कोई बड़ी है। ये भी तो हमारी तरह इंसान है, बस हालत से परेशान है। अगर हम इनकी फीलिंग को समझकर 150 की मदद कर देंगे तो क्या जाएगा? हमारे 150 की मदद करने से ना तो ये अमीर बनेंगे और ना ही हम गरीब, बस थोड़ी मदद हो जाएगी इसकी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरा मुस्कुराहट होगी, और उस मुस्कुराहट से हमें नींद अच्छी आएगी। अगर हर कोई ऐसी सोच रखे ना, तो कोई भी गरीब अपने हालात से परेशान नहीं रहेगा।